और सीधे आपको विधान परिषद लिए चलते हैं, 13 नवनिर्वाचित एमएलसी शपथ ले रहे हैं। अक्षुण्य रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय श्री किरण पाल कश्यप जी, बातचीत जो एमएलसी हैं वो शपथ ले रहे हैं। मैं किरण पाल कश्यप ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जो विधान परिषद का सदस्य हुआ हूं ईश्वर की आज शपथ लेता हूं। सर जी पूरा पढ़िए, फिर से पढ़िए, रुकिए, दोबारा करता हूं। मैं किरण पाल कश्यप जो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी, नवनिर्वाचित जो एमएलसी हैं जिनके लिए हाल में लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव कराया गया था और इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण मैं धर्मेंद्र सिंह जो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। माननीय श्री बलराम यादव जी, मैं बलराम यादव जो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिष्ठान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय श्री डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय श्री मोहित बेनीवाल जी,
मैं मोहित बेनीवाल जो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ।